प्रीमियम ले लो। बाची 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 बाची। जब मुझे फैनफेस्ट से पहली बार कॉल आया, उन्होंने बोला कि फैनफेस्ट इस बार नेस्को में हो रहा है, तो मैं बोला फैनफेस्ट है कि नवरात्रि है। कितने लोग हमें जानते हैं? मुझे आवाज नहीं आ रहा यार। मैं मुंबई में अपना घर खरीदूं? नहीं, अभी भी सपना ही है। कॉमेडी एंड कंटेंट दिस वेयर आई टॉकिंग अबाउट इंस्पिरेशन फॉर कॉमेडी एंड कंटेंट आवर नेक्स्ट सेट ऑफ परफॉर्मर्स प्रजंता इफ कॉमेडी हैड अ फेस आई थिंक जो इसे खाए वो भूलना भूल जाए। मुझे लगा नहीं था कि इतने सारे लोग आ जाएंगे। मतलब आप लोग कितने लोग हो यार? आप लोग के पास और कुछ काम धंधा नहीं था कि आपको पता है जब मुझे फैनफेस्ट से पहली बार कॉल आया, उन्होंने बोला कि फैनफेस्ट इस बार नेस्को में हो रहा है, तो मैं बोला फैनफेस्ट है कि नवरात्रि है। बीइंग अ मुंबई गर्ल, मैंने एक बहुत बड़ा पाप कर दिया। आई एम रियली सॉरी। हुआ यू कि मैं चर्च गेट से आ रहा था फॉर द फैन फेस्ट, मैं गाड़ी में आ रहा था वर्ली सीलिंग से, और मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालना भूल गया। गाइस मुझे बताओ इसके साथ क्या करना चाहिए? दिस इज अनएक्सेप्टेबल। मैं तो बोलता इसका मुंबई का सिटीजनशिप कैंसिल कर देते। अरे आपको पता जस्ट वर्ली सीलिंग का स्टोरी डालो। गाइस मैं सॉरी बोल चुका हूँ, प्लीज। एनीवेज कितने लोग हमें जानते हैं? मुझे आवाज नहीं आ रहा यार। भाई अगला वीडियो कब आएगा? और घर वाले, हमारे घर वाले हमें एक ही चीज पूछते हैं यार, जब यही सब करना था तो इंजीनियरिंग क्यों की? और ले देखे हमारे पास सिर्फ एक ही चीज बचती है बोलने के लिए कि भाई लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब। गाइस बाय द वे मैं मस्ती कर रहा था लेकिन सो गाइस हम लोग में ट्रेन आ रहे हैं। गाइस अभी पंकु आए स्टेज पे, मैं आपको नाला दोबारा में चढ़ते वो भी एक ही डब्बे में, एक डब्बे में 12 डब्बे, और तो नर्वस थे भीड़ देख के हमें नहीं होती। आई एम सॉरी गाइस। देखो जब भी मैं पहली बार मुंबई में आया था ना, पहली बार, तो मेरा एक सपना था कि मैं मुंबई में एक अपना घर खरीदूं। नहीं अभी भी सपना ही है। हंस क्या रहे हो आप लोग की वजह से? अरे आप लोग को एड्स देखना ही नहीं है यूट्यूब पे, जैसे हमारी वीडियो आते सबसे पहले स्किप एड पे डबल बटन दबा देते हो। नहीं ये प्रॉब्लम सिर्फ इनका नहीं है, ये प्रॉब्लम हम सारे इंडियंस का है। एड चालू होने के पहले हमारी उंगली पहुंच जाती है स्किप एड पे, एक सेकंड भी स्किप एड नहीं देखते। लेकिन देखो YouTube वाले भी जाने हैं, हम इंडियंस को देखते हैं, उन्होंने नया निकाला अनस्किपेबल है। अभी देखो बटन दो दो करो करो स्किप करो भाई, कपड़े मत उतारो यार। ऑलराइट गाइस बाय द वे एक चीज बोलना मैं भूल गया, मैं आपको बता दूं कि हम लोग कहां से हैं। सो वी आर फ्रॉम दिस वेरी पॉश एरिया ऑफ मुंबई विरार। गाइस तुमको पता है ये मुंबई में भी आता है।
गाइस आई नो पर बार बार बोल के बुरा क्यों फील करा रहे हो? एग्जैक्टली इट्स ऑल राइट, कम ऑन यार। मैं आपको एक चीज बता दूं, जब बाकी ग्रेटेस्ट लोग स्टेज पे आके अपनी लोकैलिटी बताते हैं तो आप लोग चीयर अप करते हो यार, दिल्ली से, मुंबई से, लेकिन जब हम बोलते हैं हम विरार से, हम लोग को आप लोग सिंपैथी क्यों देते हो? हम लोग को सिंपैथी नहीं चाहिए क्या ये? आपको पता है एक बार लास्ट इवेंट में क्या हुआ, मैंने बोला कि मैं विरार से हूँ, यहाँ सामने एक लड़की थी, वो चला सुनती है कि मैं विरार से हूँ, वो बोलती है और मैं बोला एक सेकेंड बताओ, I don't know for some reason, सोमो में सब वीगन्स हैं, सब, और सबको ग्लूटेन फ्री खाना चाहिए, क्यों भाई? और सोमो वाला मतलब तीन चीज से एनर्जी, तीन चीज, ठीक है, ग्लूटेन, डेयरी और गरीबी। पसंद नहीं बोलो, ये तो रही सोमो की बात, सोमो, आपको पता है हम लोग कहाँ से? हम लोग हैं सोपा से। सोपा? साउथ पालघर। ये रुक रहा है। जब भी आप लोग हमें बाहर मिलते हो ना तो आप लोग बोलते हो गाइस बिग फैन, हम लोग प्लीज कहना है आप एनबीए में सेल्फी विद यू, एंड हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन 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 हमें आपको ये बार एक चीज बोलनी है कि गाइस वी आर बिग फैन ऑफ यू गाइस, आप लोग की वजह से हम लोग हैं, आप लोग की वजह से हम लोग हैं, आप लोग हमारी वीडियो देखते हो इतने बड़े यहाँ पे, सो कैन वी टेक अ सेल्फी विद यू गाइस, कैन वी प्लीज, सब लोग हाँ नहीं बोलेंगे तो सेल्फी नहीं लेंगे, थैंक यू सो मच गाइस, एक सेल्फी।